नमस्कार, मसाला महक में आपका स्वागत है। मैं आज गाजर का हलवा बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं 1 किलो गाजर को अच्छे से धो ली और फिर उसको अच्छे से छील के मोटे मोटे पीसेस में काटी। इधर कढ़ाई चढ़ा दी, कढ़ाई मेरा गर्म हो गया, तो उसमें 2 बड़ा चम्मच शुद्ध घी डाल दी हूँ। और फिर ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स डालें। और इसको मैं 1 मिनट के लिए भून ली हूँ और निकालूँ, ज़्यादा ना भूने नहीं तो ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा। और ये गाजर को जो मैं काट के रखी थी उसी घी में डाल के मैं इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए भून लूँगी, ज़्यादा ना भूने, जो से बस सॉफ्ट होने तक अच्छे से भून लें और फ्लेम को मीडियम रखें। तो गाजर मेरा भून गया है, तो मैं कुकर ली हूँ, एक कुकर को मैं चढ़ा दी हूँ, उसमें वही गाजर को पलट दी। और देखिए 1 कप दूध है, क्रीम वाला दूध है, फुल क्रीम। और फिर इसको मैं सीटी लगाने के लिए चढ़ा दी हूँ, 5 से 6 सीटी आने तक पका लूँगी। और 4 इलायची भी ली हूँ, उसको मैं भी कूट के दरदरा कूट लूँगी। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए ये 5 सीटी मेरा लग गया, तो मैं फिर उसी कढ़ाई में डाल दी। कुकर मेरा छोटा था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं कढ़ाई में फिर पलट दी, कढ़ाई जो मेरा भुना हुआ था गाजर उसी में डाल दी ताकि पानी अच्छे से सूख जाए। और देखिए इस तरह से फिर मैं 1 कप चीनी डाल दी हूँ। ये जितना गाजर था, 1 केजी गाजर था, तो मैं 1 छोटा कप चीनी डाली हूँ और इलायची पाउडर। और फिर ये 1 चम्मच शुद्ध घी डाल दी और उसको अच्छे से मैं भून लूँगी। सारा पानी सुखा लेना है ताकि अच्छा से टेस्ट आए, नहीं तो फिर गीला गीला अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो फिर ये भुना हुआ ड्राई फ्रूट डाल दी। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया। आप भी बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। धन्यवाद।